हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड विपिन आपके साथ आपके अपने पेज यूथ अड्डा के साथ। आज मैं आप दोस्त मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हिंदी टाइपिंग सीखकर अपने जीवन को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं और भविष्य में भी इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग दो तरीके से सीखी जा सकती है, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू और एक एमएस वर्ड के थ्रू। अगर आपको एमएस वर्ड के थ्रू हिंदी टाइपिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे हिंदी टाइपिंग करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको हिंदी फॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड, मैं आपको बता देता हूँ आप हिंदी फॉन्ट्स कैसे ले सकते हैं। हिंदी फॉन्ट्स के लिए आपको गूगल पे जाना, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। google.com पे गूगल पेज खुल जाएगा। गूगल पेज खुलने पर आपको क्या करना है, सर्च बार पे श्रुति देव पेन, श्रुति देव पेन एक जो है फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट है। उसके लिए आपको श्रुति देव फॉन्ट को मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, श्रुति देव पेन जैसे देखेंगे और ये खुल गया। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मेरे सिस्टम में पहले से डाउनलोड है तो मुझे इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा फॉन्ट, तो फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है फिर से, और गूगल पे जाकर आपको कीबोर्ड लेआउट डाउनलोड करना है। कीबोर्ड लेआउट फॉर पेन, देखिए जैसे कि ये कीबोर्ड फॉन्ट मतलब हिंदी में जो कीबोर्ड फॉन्ट क्या है वो लेआउट खुल गए। तो आप इसमें से जो एक भी कोई है कीबोर्ड का लेआउट जो है वो आप सेव कर लीजिए, जैसे ये देखिए। अब इसमें दिखाया है कि हर एक जो की है वो दो काम करती है, जैसे फा है, क्यू में जो फा है वो फा का भी काम करता है और ऊ की मात्रा का भी काम करता है। ऐसी ई है वो आधा मा पूरा मा, अगर हम शिफ्ट के साथ क्या नाम है ई बटन को दबाएंगे तो आधा माह आएगा और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो पूरा माह आएगा। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, मतलब सेव कर लेंगे और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। देखिए ये सेव हो गया है और अब हम चलते हैं आगे। अब इसको आप सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपका एमएस वर्ड खोलना है, ये यहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज सेट करना है जिसमें आप इसे टाइप करना चाहते हैं। जैसे आप इसे हिंदी के लिए हम देख रहे हैं तो हम इसमें कौन सा फॉन्ट डालेंगे, श्रुति देव पेन ये फॉन्ट आ गया, ये हमने डाल दिया। बेसिकली मैं जो हूँ इसकी जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो 15 रखता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो मर्जी रख सकते हैं, 24 25 18 19 जो भी आपको ठीक लगे। लाइक मैं इसको मानो इस राइट नाउ 20 कर देता हूँ, तो 20 कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि मतलब कैसे टाइप करना है, ठीक है। आप जैसे लेआउट के थ्रू चेक कर सकेंगे कि लेआउट में जैसे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप एक एक बटन दबा के चेक कर लें कि पहले सिंपल बटन में क्या आ रहा है, शिफ्ट दबा के बटन में क्या आ रहा है। तो जैसे सिंपल मैं क्यू दबाता हूँ तो क्यू दबाने पे ऊ की मात्रा आ गई, शिफ्ट दबा के दबाने पर एफ आ गया। लाइक डब्ल्यू पे इधर की साइड की मात्रा आ गई, शिफ्ट दबा के दबाए तो वाली मात्रा आ गई। अब आपको करना क्या, अपने स्पीड से भरने के लिए कि डेली आपको जो है मतलब हर एक सेंटेंस को 10 10 बार लिखना है। जैसे मानिए मैंने लिखा सेवा, तो सेवा 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 इस तरीके से मुझे टाइप करना है। इससे क्या होगा, हमारे जो है हाथ का रोटेशन ठीक बढ़ जाएगा। और आपको डेली फिर इसके बाद क्या करना है कि जो एप्लीकेशन है मतलब शुरू के 3 दिन तक आपको जो है एक एक वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक वर्ड जो है वो आप लिख सकते हैं डेली, आपको 20 20 मिनट की तैयारी इसके लिए करनी है। अगर आप इसको ज़्यादा समय दे सकेंगे तो ये आपके लिए और अच्छा होगा, आप और जल्दी ही इस कोर्स को कवर कर पाएंगे। तो देखिए जैसे कि अब मानिए मुझे एक लेटर लिखना है, तो मैं लिखूँगा सेवा में श्रीमान मेयर महोदय गाजियाबाद। महोदय अनुरोध हाथी के क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है जिस कारण
काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से आप जो है रोज लेटर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन में तरक्की पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज के समय में हिंदी टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर एक पोस्ट के लिए, जैसे क्लर्क हो गया या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या कोई भी SI वगैरह की वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज निकलती है पुलिस वगैरह में, अब हर जगह जो है हिंदी टाइपिंग कंपलसरी कर दी गई है। इसलिए हिंदी टाइपिंग के बिना अब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब पाना इतना आसान नहीं रहा जितना कि पहले था। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह आप कृति देव फॉन्ट का यूज़ करके MS वर्ड पे हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर के साथ तैयारी करके अपनी टाइपिंग स्पीड को तेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आगे। ओके।